छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अवैध शराब, नकदी और मतदाताओं को लुभाने वाले वस्तुओं की रोकथाम करने वाले निगरानी दलों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। अब तक 67 करोड़ के माल की निगरानी दलों ने जब्ती की है। जब्त सामान में शराब, नकदी, नशीली वस्तुएं, आभूषण और अन्य सामग्री शामिल है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 9 नवंबर तक की स्थिति में 66 करोड़ 88 लाख रुपए की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इसमें 18 करोड़ 13 लाख रुपए की नगद राशि भी शामिल है। अब तक 47,846 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 37 लाख रुपए आकी गई है। साथ ही 4 करोड़ 7 लाख रुपए लगभग की कीमत की अन्य नशीली वस्तुएं भी जब्त की गई हैं। इसमें गांजा समेत अन्य मादक पदार्थ भी शामिल हैं। सघन जांच अभियान के दौरान 20 करोड़ 57 लाख रुपए लगभग कीमत के 493 किलोग्राम कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत लगभग 22 करोड़ 74 लाख रुपए है, वह भी जब्त की गई हैं। बता दें कि हमेशा से होता आया है कि चुनाव के दौरान जमकर अवैध शराब का प्रयोग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मतदाताओं को लुभाने के लिए करते हैं। चुनाव से काफी पहले ही अवैध शराब का संग्रहण किया जाता है, लेकिन इस बार आयोग के निर्देश पर आबकारी विभाग और निगरानी दल ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इसका खासा असर भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार निगरानी दलों ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें आबकारी विभाग की भी कार्रवाई सबसे आगे चल रही है। करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध शराब आबकारी विभाग ने पकड़ा है। और आपको बताना चाहेंगे कि निगरानी दलों ने कुल 66 करोड़ 88 लाख रुपए के नकदी और वस्तुएं जब्त की गई है, जिसमें करीब 18 करोड़ 13 लाख रुपए तो नकदी ही है। इसके अलावा यदि बात करें आबकारी विभाग की कार्रवाई की, तो करीब 47,846 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जो कि अन्य राज्यों की भी है और यहाँ छत्तीसगढ़ की भी है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 37 लाख रुपए बताई जा रही है। यह आंकड़ा जो है शुक्रवार तक की कार्रवाई का है, क्योंकि इस दौरान जो है छुट्टी के दिन भी पड़े, दिवाली का त्यौहार भी रहा, इसके कारण बाकी के आंकड़े अभी आना शेष है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि 4 करोड़ 7 लाख रुपए की नशीली वस्तुएं जब्त की गई है। इसके अलावा 20 करोड़ 57 लाख रुपए के आभूषण तथा रत्न जब्त किए गए। यह कार्रवाई बता रही है कि निर्वाचन आयोग का दबाव काफी है निगरानी दलों पर, और यह एक बड़ा रिकॉर्ड भी है, क्योंकि इससे पहले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें इतनी बड़ी कार्रवाई कभी भी देखने को नहीं मिली। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर।